नीचे तबके के लोग हैं उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कल के दिन सरकार किसकी आती है या किसकी नहीं। दिहाड़ी मजदूर करने वाला व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर ही करेगा, तो उनके उनके ऊपर से कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि साहब हमें तो आज इनको सलाम करना है, कल आपको कह देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट पोल से कनेक्ट आज की डेट में सट्टा बाजार है। मैं सही बोलूं इसके कोई मायने नहीं है। 2-4-10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, वो सब है, इतना बड़ा हेर फेर नहीं हो सकता। आपने अभी तक भी देखा होगा बाजार में जब हवा चलती है तो समझ में आता है कि भाव क्या चलने वाला है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि राजनीति में कोई कौन किसका मित्र है कौन किसका दुश्मन है ये कहना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। लेकिन कल यानी कि 3 दिसंबर को सिर्फ 4 राज्यों में ही मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। मिजोरम में 4 तारीख को मतगणना होनी है। अब ऐसे में जैसे ही आखिरी राज्य की वोटिंग खत्म हुई, शाम को सभी चैनल्स ने एग्जिट पोल चला दिए। एग्जिट पोल्स में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश पर फिलहाल सियासी समीकरण कुछ और ही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर एक चैनल ने बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें दिखाई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। दरअसल कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी अब विधायकों को खरीद सकती है। कमलनाथ का एक बयान सामने आया है, वो बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं। हरीश जी मेरे साथ मौजूद है। 4 राज्यों में मतगणना, लेकिन इस बार एग्जिट पोल्स पर वैसे तो हमेशा से ही सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ वीडियो वायरल हो गए हैं किसी चैनल के, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में ये बात हो रही है कि इतना बड़ा चैनल अगर खुद ये कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है एग्जिट पोल्स पर, तो फिर आम जनता कैसे विश्वास कर ले। देखिए काजोल, पहले तो एग्जिट पोल जो हैं इन पर विश्वास करने की ज़रूरत भी नहीं है और हम भी नहीं करते। एग्जिट पोल एक तरह की रवायत बन गई है कि उसको दिखाना करना, पल्स को बोलते ना कि पल्स बढ़ाना घटाने का काम करता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है और पार्टियां एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का काम करती है कि भाई मैं तो जीत रहा हूँ, मैं तो हार रहा हूँ या व्हाटएवर जो भी उनका अंदर का मामला है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एग्जिट पोल से आज की डेट में सट्टेबाजारी में बहुत फ़र्क पड़ता है। एग्जिट पोल का सही मायने देखे जाएँ तो सट्टा बाजार है, उसका और कोई दूसरा कोई उसका कोई मतलब तो है नहीं सट्टे बाजार। उसके अलावा कि आप राजनीति में उस एग्जिट पोल से कल के दिन कोई क्लेम होने वाला है कि एग्जिट पोल में मैं जीत रहा था, मैं कैसे हार गया या क्या होगा मेरे साथ या व्हाटएवर, कोई भी रीज़न। आज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के साथ एग्जिट पोल ने दिखाया है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सट्टा बाजार बहुत तेज़ी से गर्म हुआ। कई लोगों ने ऐसा सूत्र बताते हैं, ऐसा हम भी सुनते हैं और सूत्र बताते हैं कि कई लोगों ने कांग्रेस पे दाव लगाया था मध्य प्रदेश में, और अचानक से एग्जिट पोल ने दिखा दिया कि भाई क्लीन स्वीप हो रहा है, 160 के आसपास सीट जो है बीजेपी को मिल रही है, और जहां 100 रुपये का भाव था वहां 10 रुपये का रह गया, जहां 10 रुपये का था वो 100 रुपये का हो गया। तो सट्टा बाजार में इस चीज़ का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। सट्टा बाजारी के लिए ये सब चीज़ें सही है, पर इससे सरकार बनना बिगड़ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, एग्जिट पोल से पहले मैं फिर बोलूं, ये सर्वे करने वाली जो भी टीम है, कईयों का एक्सेस करके एक एक्सेस माई इंडिया जिसे चला रहे हैं इंडिया टुडे के लिए एक्सेस, उनका अभी तक का देखा गया है कि 94% वो लोग करेक्ट हुए हैं। मैं मानता हूं कि उनके जो भी, देखो एग्जिट पोल का मतलब है कि आपने 100 में से 10 लोग लिए, 10 लोगों के विचार करे और उनको आपने एग्जिट पोल के एरिया वाइज 10-10 लोगों को उठा के आपने एग्जिट पोल बना लिया कि यहाँ लोग क्या कह रहे हैं। इस तरह से एग्जिट पोल की कैलकुलेशन होती है, बाकी 90 लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर नहीं होता। 90 लोग साइलेंट हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमारे देश में जिस तरह से कहा जाता है कि लास्ट दिन भी वोटर पलटते हैं, लास्ट डे भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वोटर एकदम से पलटते हैं, या तो उनको सूझबूझ बहुत ज़्यादा आ जाती है लास्ट डे,
या जो है अंडर टेबल खाने की जो आदत है, मैं बोलूँगा जनता की बहुत बड़ी गलती है इसमें। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ मुर्गा भात खा के ही वोट पड़ जाते हैं, 500 रुपये और मुर्गा भात मिल जाए सुबह वोट पड़ जाएगा। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस बेस पे एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं रिलाई करता है कि कितने लोग ऐसे कन्वर्ट होने वाले लोग हैं, कौन से, क्योंकि उन लोगों को ना जो नीचे तबके के लोग हैं उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कल के दिन सरकार किसकी आती है या किसकी नहीं। दिहाड़ी मजदूर करने वाला व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर ही करेगा, तो उनके उनके ऊपर से कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि साहब हमें तो आज इनको सलाम करना है, कल आपको कह देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये वोटर जो है ये कब कन्वर्ट होता है कुछ नहीं पता लगता। पर एग्जिट पोल पे इतना ज़्यादा जो बवाल मच रहा है पूरे चैनल्स में कि एग्जिट पोल ये कह रहे थे वो कह रहे थे, हमने भी किया है प्रोग्राम, ओपिनियन पोल से भी बहुत अलग एग्जिट पोल्स दिखा। बिल्कुल, आज मैं फिर कह दूं कि कांटे की टक्कर होगी मध्य प्रदेश में और 2-4-10 सीटें इधर या उधर हो सकती है दोनों पार्टियों के बीच में, और बहुत कांटे की टक्कर होगी जो कि फेयर गेम होगा, जिसको बोला जाता है कि मेहनत और वो सब दिखा जाएगा। कई सीटों पे आपको 100-200 के मार्जिन से भी सीटें आगे पीछे होंगी। पर मैं फिर कहूँ, जहाँ पर कुछ ऊंच नीच हुआ तो दोनों पार्टियां सक्षम है ऊंच नीच को मैनेज करने में। ठीक है, जो बात उठाई भी है कमलनाथ और बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता है, इस पे आगे बात करें, लेकिन एक सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं और 2014 के बाद से ही ये सवाल सबसे ज्यादा उठा है, जब जब चुनाव जहां जहां होते हैं और जहां जहां डबल इंजन की सरकार होती है, कि अगर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आती है तो फिर बातें उठने लग जाती हैं कि एग्जिट पोल्स गलत है। देखिए, वो अपोजिशन का हमेशा से काम है। आप कल हम लोग मॉर्निंग से इसमें एक्टिव रहेंगे और 3 बजे से आप देखना शुरू कीजिएगा कि जिसके फेवर में जाएगा वो तो पहले ही लड्डू मंगवा लेगा, जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो 7-6 बजे तक वेट करेगा कि अभी देखो अभी कुछ, अभी वहाँ के बैलेट बॉक्स नहीं खुले, यहाँ के नहीं खुले, अभी पलट सकती है वहाँ पर। होप जो होती है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, तो वो होप में रहते हैं। जिसको जो नहीं जीत रहा एग्जिट पोल में वो बोलता है कि कुछ गड़बड़ है, ये दोनों तरफ से आरोप लगते रहते हैं। पर आज की डेट में अभी देखिएगा, कल कांग्रेस अगर वहाँ पर अच्छा नहीं करती है, बीजेपी अच्छा नहीं करती, तो बीजेपी तो खैर ये आरोप नहीं लगाएगी, पर कांग्रेस अगर अच्छा नहीं करती तो वो कहीं ना कहीं मशीन्स पे आरोप, ईवीएम पे भी आरोप, मगर जहाँ सरकार बन जाती है वहाँ ईवीएम माता इनकी हो जाती है, चाहे कर्नाटक हो चाहे वो माता, वो कहीं की भी हो। यहाँ एक और चीज है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, मोहब्बत की दुकान, भले ही हम कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करें लेकिन अब राहुल गांधी इग्नोर नहीं हो रहे हैं। कर्नाटक से टच है बिल्कुल तेलंगाना, तेलंगाना में इस बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार विधानसभा चुनाव हो रहा है और अब जितनी बार भी रही है तो यहाँ पर केसीआर रही है, लेकिन इस बार तेलंगाना में कुछ और ही नज़ारा नजर आ रहा है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, आप अंदाजा लगाते हैं इसका मतलब कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ रही है। देखिए, अगर तेलंगाना में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की और इधर से बेंगलुरु पास में है तो दोनों रिचेस स्टेट अगल बगल हो जाएंगी। इसका जो असर होगा वो 2024 में बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस के पास जो कमी पैसे की है ना वो यहाँ से पूर्ति हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस और मजबूत होके निकलेगी। जो उन पे आज की डेट में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों का अभाव है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ कमलनाथ जिसपे हमने चर्चा की शुरुआत की है कि विधायक जो है ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको वीडियो हमने देखे, चाहे वो अभी तक रवीश कुमार ने तो कुछ ऐसा वीडियो नहीं डाला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो आ सकता है उनका वीडियो आज शाम तक। लेकिन अभिसार शर्मा और दीपक शर्मा को हमने सुना, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ में एक विधायक जो खरीदने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो वही लोग जानेंगे कि उन्होंने किससे सुना है, कहाँ देखा है, क्योंकि हमारे पास तो इसके पुख्ता सबूत नहीं है कि 100 करोड़ में एक विधायक खरीदने वाले हैं। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, कैसे आप किसी सरकार को गिरा सकते हैं, कैसे आप विधायक खरीद सकते हैं? देखिए, ऐसा है काजोल की, पहले तो अभिसार शर्मा और दीपक शर्मा ये दुनिया नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोगों, ये लोग वन साइडेड खेलते हैं, क्लियर है कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से खेल रहे हैं। अब इन लोगों के आप बोलते ना कि अगर किसी की हिंदुत्व वाली भावनाएं हैं तो वो तिलक लगाए हुए मिल जाएगा तो उसे साफ समझ में आता है कि वो भैया हिंदू धारणा से बिलोंग करता है।
इसी तरह से कोई मुस्लिम होगा तो मुस्लिम की अलग अलग तरीके होंगे, लाइफस्टाइल होगी। इसी तरह से पत्रकार की भी लाइफस्टाइल्स होती हैं, तो पत्रकार की भावनाएं, क्योंकि अंदर से तो कहीं ना कहीं वो भी वोटर है, और जब उसकी वाणी और उसके वोट साइन दोनों मिल रहे हो तो समझ जाना चाहिए कि वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो अभिसार शर्मा और दीपक शर्मा, इन दोनों का काम यही है कि कांग्रेस को किस तरह से सपोर्ट करना है। और दीपक शर्मा जी की तो स्टाइल ही अलग है। दीपक शर्मा जी की तो मैं क्या कहूँ कि आओ बहन चुगली करें टाइप वाला उनका हिसाब है। तो कुछ नहीं बनता उनसे तो वो कुछ ऐसे करके कुछ सुर्खियां छोड़ देते हैं बाजार में कि ऐसा लगता है कि जैसे दीपक शर्मा के पास स्पेशली फोन आया हो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या होने वाला है और बीजेपी में कौन किसकी मीटिंग किसके साथ हुई और कौन कितनी खरौत फरौत होने वाली है। इनको 100 करोड़ रुपए की जो न्यूज़ है इनको पूछना चाहिए कि किस सोर्स से 100 करोड़ रुपए की बात को उठा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए रुपए होते हैं, कोई झोले में पैसा नहीं आ जाता वो 100 करोड़ रुपए। तो इस तरह की जब बातें उठती हैं ना तो ये राजनीतिक गलियारे को गर्म करने का तरीका है। और एक बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई की कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्टिंग को बढ़ाने का भी तरीका है। तो ये एक माध्यम कौन होते हैं, माध्यम इसी तरह के पत्रकार होते हैं कि यार कुछ हो गया उल्टा सीधा तो कम से कम यहाँ से हमारी वैल्यू तो बढ़ा दो। तो ये और कुछ नहीं है, 100 करोड़ रुपए का सगुफा ये छोड़ा गया है। ऐसे 100 करोड़ रुपए कोई आसान चीज़ नहीं होती कि 100 करोड़ रुपए किसी को मिल जाए, रातों रात कोई आ जाए और बोल दे कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रलोभन होते हैं, काम के प्रलोभन हो सकते हैं, मंत्री पद के प्रलोभन हो सकते हैं और बहुत तरीके, और पैसे के भी होते होंगे, हमने देखा नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नहीं, बट होते होंगे। पर इस तरह के प्रलोभन सिर्फ मार्केट को गर्म करने के लिए किए जाते हैं। अब एग्जिट पोल्स का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब और कैसे हुई। अब भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत जो है वो 1996 में हुई थी। इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS से किया गया। इस एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतेगी। बीजेपी ने वास्तव में चुनाव जीता, लेकिन एग्जिट पोल के परिणामों ने चुनावी परिणामों को प्रभावित किया। इसके बाद भारत में एग्जिट पोल का चलन बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया। 1998 में पहली बार किसी न्यूज चैनल एग्जिट पोल का प्रसारण किया था। आजकल भारत में कई एग्जिट पोल होते हैं जिन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। यानी कि वास्तव में एग्जिट पोल बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत नया है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ताकि पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जाए। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बयानबाजियां हैं ना राजनीतिक माहौल में, वो इससे और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में एग्जिट पोल का रोल क्या होता है कि आप अगर ये फोन, मैंने आपको पहले भी शायद बताया कि आपका फोन जो होता है वो सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे तो अगर आप 4 दिन तक 5 दिन तक या 5 घंटे व्हाटएवर जो भी इसकी कैपेसिटी होगी, इसके सामने बीजेपी 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 बोलते जाओगे या कांग्रेस कांग्रेस बोलते जाओगे तो ये आपको ट्रेंडिंग वीडियो में वही दिखाएगा। और ये कहीं ना कहीं डेटा भी कैप्चर हो रहा है कि कितने लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कितने लोग कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, किस तरह की मानसिकता है, क्या उनकी सोच है, क्या वो चाहते हैं। तो ये जो जब ये एग्जिट पोल का हिसाब किताब बनाया जाता है ऐसे लोगों से जुड़ के बनाया जाता है, तो ये डेटा भी बिकता है। आपको मैं बता दूं कि ये डेटा भी बिकता है। अब आप बोलोगे डेटा और कैसे कैसे, आपको कई बारी बैंक्स के कॉल्स आते हैं, कई बारी आपको किस तरह के कि हमारे यहाँ ये प्रॉपर्टी बिका हुआ है। तो डेटा जो है आपका ये बेचा जाता है, आपके नंबर शेयर होते हैं बकायदा कि ये लीजिए 1000 नंबर और ये आप मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए ना 1000 नंबर पे कि बीजेपी को मतदान जरूर करें, कांग्रेस को मतदान जरूर करें, अपने वोट का सही उपयोग करें। ये सब डेटा सेंटर के अंदर ये सारा डेटा बिकता है और उन्हीं डेटा के अंदर आइडिया लगाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पर बैठ के मैं डिबेट कर रहा हूँ तो मैं कल सुबह वोट देने जब जाऊँ तो मैं वोट इसके हिसाब से देने जाऊँ, मैं काम पर वोट देने जाऊँगा, मेरी मानसिकता है। ऐसी कई लोगों की, अब जो हमारी जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है और वो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, और आज की डेट में वो फर्क दिखाई देगा। वो मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, मिजोरम में भी दिखाई देगा, आपका इधर राजस्थान में भी दिखाई देगा और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ अब पिछड़ा नहीं रहा, जहां आप पहले किस तरह की घटनाएं होती थी वो अब उतना नहीं रहा, कंट्रोल्ड है अभी भी पर कंट्रोल्ड है। लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
ये चीज़ें अब आ गई हैं। सोशल मीडिया के टाइम पे ये बहुत अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इसके डिसएडवांटेज भी बहुत है, आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट एडवांटेज इसके बहुत सारे हैं। क्या अवेयरनेस आपको पहले चिट्ठी पत्री के द्वारा नहीं भेजी जाना पड़ती, अब आपके टिप्स में है, आपकी उंगलियों में है, आप कुछ भी करिए आप दो तुरंत वायरल हो जाएंगे, आप कुछ गलत बोलिए तो एक डर का भावना भी इससे बढ़ी है। नेताओं के अंदर भी एक डर आया कि कहीं मैं वायरल ना हो जाऊँगा, अधिकारियों के अंदर ये दिक्कत आई है कि भाई थोड़ा सा ठीक रहना है, हालांकि उसके तोड़ वो निकाल लेते हैं बट फिर भी। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ ये सब इस तरह से एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं। अच्छा, एग्जिट पोल्स को लेकर बड़े बड़े चैनल्स, देश के जितने भी बड़े चैनल्स हैं, हर बार ये दावा करते हैं कि हमारे एग्जिट पोल जो हैं बिल्कुल सही साबित हुए हैं, हर बार का ये रहता है। लेकिन इस बार अपने ही एग्जिट पोल्स पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इससे हम क्या समझे या आम जनता क्या समझे इस चीज़ से? काजोल देखो, कल सब समझ में आ जाएगा। और मैं सबको फिर कह दूं, एग्जिट पोल से कनेक्ट आज के डेट में सट्टा बाजार है। मैं सही बोलूं, इसके कोई मायने नहीं है। 2-4-10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, वो सब है, इतना बड़ा हेर फेर नहीं हो सकता। आपने अभी तक भी देखा होगा बाजार में जब हवा चलती है तो समझ में आता है कि भाव क्या चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि उस ठेली का जो 200 ठेली दूर बैठा हुआ वो टमाटर कुछ और भाव बेच देगा, लास्ट वाला कुछ और भाव बेच देगा। लहर चलती है बाजार में, इसी तरह से चलता है, इसी तरह से लोगों के बीच में एक लहर चलती है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें एग्जिट पोल जो है ना, इस बार ही देखा गया है सट्टा बाजार बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इससे। तो हम क्या समझें, जो 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है वो हो सकता है कि 4 राज्यों में? देखिए, मैं बाकी 2 राज्यों को लेके मैं अगर आपको बात करूं कि मिजोरम और छत्तीसगढ़, तो बीजेपी का मुझे लगता नहीं कुछ होगा वहां पर ज़्यादा, मिजोरम और छत्तीसगढ़। हाँ जी। और मैं अगर दूसरी बात करूं, मध्य प्रदेश कांटे की टक्कर रहेगी, 2-4 सीट, 10 सीटें पकड़ लीजिए आप, 10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। निर्दलीयों की भूमिका बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ पर, उनको मैनेज करने की तैयारियां चल रही होंगी, ये पक्का है। ये आप कह सकते हो कि उन पर नज़र बनाई हुई होगी। पर आप राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि वहाँ कांग्रेस का काम। अच्छा, राजस्थान की बात आपने की है और आप शुरू से ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी कमबैक कर रही है, तो बीजेपी आज हमने जो तस्वीरें देखी है वो बहुत ही अलग हैं। वसुंधरा राजे मंदिरों के दर्शन कर रही है, नरेंद्र तोमर, जेपी नड्डा, दिया कुमारी मंदिरों के दर्शन शुरू हो गए हैं, तो इससे क्या जो हलचल दिखाई दे रही है बीजेपी की, क्या बीजेपी ये सोच के बैठी है कि अशोक गहलोत तो टाटा बाय बाय हो रहे हैं, अब वसुंधरा राजे और दिया कुमारी को मंदिरों के दर्शन करा दें? लेकिन यहाँ पर भी अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि दिया कुमारी या वसुंधरा राजे, महारानी या राजकुमारी? देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से हवा चली थी कि वसुंधरा राजे पे मोदी का 36 का आंकड़ा है, ये सुनने में आता है। राजनीति में कोई किसी का विरोधी नहीं होता। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि आज आपको बिल्कुल, आपने बिहार के अंदर देखा होगा जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए लालू के बेटे बोलते थे कि चाचा तो पलटू राम हैं, चाचा तो ऐसे हैं, और आज चाचा जो कह दें वो सत्य है, महिलाओं की बेइज्जती कर दें तो सत्य है, उसका भी तोड़ ढूंढ लाते हैं कि चाचा का मतलब ये था, चाचा ऐसा नहीं ऐसा कहना चाह रहे थे। वही बयान अगर 6 महीने पहले बोला होता तो हम तो कह रहे थे चाचा का दिमाग ख़राब हो गया। और आज राजनीति की रोटियां सब साथ में सेक रहे हैं, तो कल क्या होगा, वसुंधरा राजे, मोदी, अमित शाह ये क्या करने वाले हैं ये नहीं बता सकते। इस पर नज़र जरूर बनी रहेगी ये कहा जाता है, बट ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कहा गया था, शिवराज सिंह के लिए भी कह रहे थे, लास्ट में बोल रहे हैं 25-30 दिन में शिवराज सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, कन्वर्ट किया है, और क्लीन स्वीप की जो बात कर रहे हैं वो एक तरह से शिवराज सिंह के ऊपर ही कह रहे हैं। तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि राजनीति में कोई कौन किसका मित्र है कौन किसका दुश्मन है ये कहना बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, आखिर में बस यही बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर 4 राज्यों में कांग्रेस आती है तो लोकसभा में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं? हाँ, कल एनालाइज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। कल का रिजल्ट, कल का फाइनल जो खेला जाएगा, समझ जाइए कि कल के फाइनल से बहुत कुछ 2024 का डिसाइड होने वाला है। हालांकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, पर फिर भी मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा,
राहुल गांधी कितने ज़्यादा आपको आप अपग्रेड होते हुए नजर आए, ये कल का रिजल्ट बताएगा। कल फाइनल है, फाइनल उसके बाद ही कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा कि 2024 में हमारा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। इन पोल्स क्या कह रहे थे, एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, हमारी नज़र हर किसी चीज़ पर बनी रही, खरीद फरीख से लेकर विधायकों की यहाँ पर 100 करोड़ में खरीदने को लेकर, इस पर भी हमने चर्चा की है। और साथ ही साथ कल यानी कि 3 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया मतगणना पर कवरेज करता रहेगा, अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ सुबह से ही बने रहिएगा, क्योंकि हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी।